प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लीनियर इक्वेशंस का साइमल्टेनियस यानी दो वेरिएबल का मैथ दे रहे हैं। दो वेरिएबल का इक्वेशंस में दोनों अननोन रहेगा, और देखिए इसमें आप कितना आराम से, मेरा चैनल का नाम है मैथ मेड इजी, ये चीज़ याद रखिएगा, बाय शक्ति। तो हम आपको इजी ढंग से कर रहे हैं। तो ए जो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, एक क्वेश्चन आरडी शर्मा में भी है, आरएस अग्रवाल में भी है, एमएल अग्रवाल में भी एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में आप यदि पहले इसको इक्वेशन वन लिखिए, इसको इक्वेशन वन लिखिए एंड इसको इक्वेशन टू लिखिए, इसके बाद आप इक्वेशन वन को मल्टीपल इक्वेशन वन मल्टीप्लाई बाई थ्री कर दीजिए, देन इसका लिखे, देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन टू, ये चीज़ को याद रखिएगा। ये आपको लिखना होगा, लिखना चाहिए भी। तो इक्वेशन टू से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इक्वेशन टू पहले लिख लीजिए 55, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको पहले लिखिए 45 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 14। सबसे पहले एक तो चीज़ हम बोले नहीं है, देखिएगा दोनों का न्यूमेरेटर एंड डिनोमेटर में x प्लस वाई आए, यहाँ भी x प्लस वाई आए, यहाँ x माइनस वाई आए, यहाँ x माइनस वाई आए, इसका न्यूमेटर में 22 है, यहाँ 55 है, यहाँ 15 है, यहाँ 45, तो 3 से मल्टीपल इसलिए करें कि इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप देखिए ऊपर में कितना होगा, 3 से करेंगे तो 66 बाई एक्स प्लस वाई, एंड दिस इज क्या होगा प्लस 45 बाई एक्स माइनस वाई कंप्लीट, एंड दिस इज 15। तो आपने इसको सब्ट्रैक्ट बोला, सब्ट्रैक्ट कीजिए एंड ए भी सब्ट्रैक्ट होगा, ए ऑटोमेटिकली ए से 45 बाई एक्स माइनस वाई एंड दिस इज 45 बाई एक्स माइनस वाई, एलिमेंट मैंने जीरो हो गया। सिंपली आपका यहाँ पर कितना आ गया, 55 बाई एक्स प्लस वाई एंड 66 बाई एक्स प्लस वाई, दोनों का एक्स प्लस वाई डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर आपका सिंपल क्या हो जाएगा, 55 माइनस 66 बाई माइनस तो है या एक्स प्लस वाई होगा, सिंपली ए वाला होगा क्योंकि दोनों का एलसीएम यही है, इक्वल टू क्या होगा यहाँ माइनस वन। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, देयरफोर एक्स प्लस वाई, देख लीजिए यहाँ माइनस 11 हो गया, यहाँ एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 11 बाई माइनस वन, दैट मीन्स प्लस वन, देयरफोर एक्स प्लस वाई क्या हो गया प्लस 11। सिंपली ये आप अभी इसके बाद क्या कीजिएगा, नेक्स्ट स्टेप देखिए कितना जल्दी मैथ हो रहा, एक्स प्लस वाई डायरेक्ट पुट कीजिए, किसी में भी पुट कीजिए, चाहे इसमें पुट कीजिए चाहे इसमें पुट कीजिए, आप इसमें पुट कीजिए तो क्या होगा, 22 बाई 11 प्लस 15 बाई एक्स माइनस वाई सिंपली इक्वल टू क्या हो गया 5, तो एक काटेगा कितना हो गया 2, देयरफोर अब अपने आप देखिए देयरफोर 15 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 दैट इज 3, देयरफोर एक्स माइनस वाई कितना होगा, आराम से देख लीजिए, देयरफोर एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 5, क्योंकि 15 बाई 3 आएगा, आपको कुछ दिन पहले अल्टरनेंडो इन्वर्टेंडो बोले हैं, एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 5। आप अभी आराम से इसको प्लस कीजिए, प्लस करने से कितना हो गया 16, ए वाई वाई कैंसिल 2x इज इक्वल टू 16, देयरफोर एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 8, x इज इक्वल टू 8 हो गया तो y इक्वल टू कितना हो गया 3। तो आराम से देखिए आपका मैथ कितना जल्दी और कितना सुंदर ढंग से हो गया, जो आपको तकलीफ नहीं हुआ। इसके बाद आपको हम एक तो मैथ दे रहे हैं, ए बी आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल एम एल अग्रवाल में भी है, एन सी आर टी में भी एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए सिंपल आपको दिया हुआ है, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, आपको सिर्फ ख्याल रखना है अप स्ट्रीम में जब जाता है उस समय स्पीड जो कमती हो जाता है,
आपको इसीलिए बोट का स्पीड हमेशा ज़्यादा लिखना होगा, स्ट्रीम का स्पीड हमेशा कम लिखना होगा। क्वेश्चन आपको बोला है ए बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर्स। आप जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, देयरफॉर टाइम इक्वल टू क्या हो गया, टाइम टी इक्वल टू डी बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड। बस आपको और दरकार नहीं है, इसके बाद सिंपल आप जो जो दिया हुआ बैठा दीजिए। यहाँ क्या दिया, 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर्स। तो आप लिख लीजिए लेट बोट स्पीड इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर, ये लिखिएगा जरूर, यूनिट लिखिएगा। एंड स्ट्रीम स्पीड इक्वल टू वाई किलोमीटर पर आवर। बार बार एक चीज़ बोल रहे हैं, स्ट्रीम का स्पीड हमेशा कम होना चाहिए, नहीं तो जिस स्ट्रीम का स्पीड ज़्यादा होगा बोट पलटी होगा, दिमाग में बैठा के रखिएगा, आपका मैथ हाजिर हो जाएगा। तो देखिए 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो लिखिए 12 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 40 बाई एक्स प्लस वाई, ये चीज़ याद रखिएगा। डाउन स्ट्रीम में हमेशा स्पीड प्लस हो जाता है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया आपको, 8 घंटा 8 आवर्स। देखिए 8 आवर्स हुआ। इसके बाद क्या बोला, इट कैन गो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। मतलब क्या, 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम भी जाएगा और 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाएगा इन द सेम टाइम, टाइम इज फिक्स्ड 8 आवर्स, 8 आवर्स ही होगा। कितना बोला आपका 16, तो यहाँ लिखिए 16 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 32 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8 आवर्स। आप अभी सेम चीज, ये वाला इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। आप देखिए इक्वेशन 1 को आप कितना से मल्टीपल कीजिएगा, आप देखिए यदि इसको 1/4 से इंटू कर दीजिएगा तो क्या होगा, इसको भी 1/4 से इंटू कीजिएगा, देखिए क्या होता है, 3 हो जाएगा। वो सब नहीं करके आप पहले सोचिए हम क्या करें। तो ए 12 का 12 इंटू 60 92, तो 6 ए 8 से मल्टीपल कीजिए, ए 6 से कीजिए, ओनली दैट। इक्वेशन 1 लिखिए, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई सिंपल चीज बाय 8 दे एंड इक्वेशन एंड लिखिएगा एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मस्ट देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच अदर। तो आप देखिए इक्वेशन इसको 8 से कर रहे हैं, 8 से करने से क्या होगा, 96 बाई एक्स माइनस वाई सिंपली प्लस 8 दैट इज 320 बाई एक्स प्लस वाई प्लस 8 से कर रहे हैं 8 × 8 = 64। ये आप जरूर ख्याल कीजिएगा, इक्वेशन 1 को कितना से मल्टीपल कर रहे हैं, 8 से, इक्वेशन 2 को मल्टीपल कर रहे हैं 6 से, तो 6 × 6 96। देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही समान है, तो इट कैन इजीली कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, 32 को 6 से कीजिए 192 हो गया बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 6 माने 48 आवर्स। अब इसको माइनस कीजिए, माइनस करने से क्या होगा, ये माइनस कीजिए तो ए वाला कट गया, ए कट गया, तो आप अपने से देखिए ए माइनस है कितना होता है, एक्स प्लस वाई माइनस है, तो 8 देने से कितना हो गया 128 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 16 सिंपली, क्योंकि ऊपर में बड़ा है, तो आपका क्या हो गया, देयरफॉर एक्स प्लस वाई क्या हो गया, एक्स प्लस वाई 128 बाई 16 कितना होगा, काट के देखिए 8 टाइम में हो गया। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 8। देखिए कितना आराम से मैथ हो रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 8
तो आप इसको अभी आराम से किसी में बैठा दीजिए, बैठाने से क्या होगा देखिए, आपका सेकंड इसमें बैठाइए चाहे फर्स्ट सेकंड में बैठा दीजिए, सेकंड में कितना है 16 बाई एक्स माइनस वाई, और ए क्या है प्लस 32 बाई ए वाला 8 लिख दीजिए इक्वल टू 8, तो ए कितना हो गया 4। देखिए 16 बाई यहाँ का 4 आए तो यहाँ जाएगा तो कितना 16 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। तो ऑटोमेटिकली देखिए आपका क्या हो जाएगा, आप आराम से देखिए मैथ को कि एक्स माइनस वाई इक्वल टू 16 बाई 4 इक्वल टू 4। तो आप लिखिए एक्स प्लस वाई 8, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। तो ऑटोमेटिकली देखिए y कैंसिल, 2x इक्वल टू 12। तो क्या हो गया x इक्वल टू कितना हो गया 6, 2x इक्वल टू 12 मतलब x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 2। तो स्ट्रीम का स्पीड आपको बोला ये वाला क्या हो गया, ये वाला बोट स्पीड, आपका जो क्वेश्चन मांगेगा वो दीजिएगा, इसके बाद आपका चांस होगा, बोट स्पीड दीजिएगा एंड ए वाला कीजिएगा स्ट्रीम स्पीड आंसर, दिस इज आंसर। तो हम आपको इजी करने के लिए मैथ दिए कर दिए हैं, आप यदि इसको अच्छा समझते हैं तो अपना दोस्त में शेयर कीजिए। याद रखिएगा आरडी शर्मा, एमएल अग्रवाल, आर एस अग्रवाल का बुक है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।